Hello everyone, Assalamualaikum. This is me Ima Khondokar and this is me Asha. तो आज हम सिर्फ आप लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे. पता नहीं कैसे होगा बट आप लोगों के लिए ट्राई करेंगे. वैसे आप लोगों के लिए तो जान भी हाजिर है ये हिंदी क्या चीज़ है. बाय द वे आज हम जिस चीज के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो टॉपिक से टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग हिंदी मूवीज. तो इस लिंक हमें शेयर किया है शोभी खालदार. शोभी खालदार एंड तो देखते हैं कैसे होता है. बट हिंदी अगर भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा प्लीज. ओके शुरू किया जाए. चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारे देश की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे. इन 10 फिल्मों के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक फिल्म बेसिकली किन किन तरीकों से पैसे कमाती है. एक फिल्म के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होती है वो थिएटर्स में देखने आए लोगों के टिकट्स के पैसे होते हैं. इसके अलावा फिल्म की हाइप और स्पेकुलेशन के चलते फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे जाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो देश के अलग अलग कोनों में लगे थिएटर्स में फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करते हैं. वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे जाते हैं एक ब्रॉडकास्टर के द्वारा जो फिल्म को टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करते हैं. दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आपको इस लिस्ट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में पता चलेगा तो आप बेशक तौर पर चौंक जाएंगे. हमारी आज की इस लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 पोजिशन के साथ. नंबर 10 पद्मावत. वो फिल्म जो रिलीज होने से पहले कई कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी थी. कारण ये था कि ये फिल्म अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती और मेहरावल रतन सिंह की जिंदगी पर आधारित थी, जिस कारण कई रिलीजियस ग्रुप्स इस बात से चौकस थे कि कहीं इस फिल्म में इनकी कहानी को किसी गलत तरह से दिखाया ना जाए. इसी वजह से देश के अलग अलग कोनों से कई ग्रुप्स आए और इस फिल्म को बैन कराने की मांग करी. लेकिन बाद में जब पता चला कि फिल्म में किसी भी तरह से किसी भी धर्म या समूह को अपमान नहीं करा गया है और कहानी के साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं हुई है तो फिल्म को रिलीज होने की अनुमति दे दी गई. फिल्म के कई जगहों पर ना चलाए जाने के बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करी और इसी का नतीजा रहा कि फिल्म आज देश की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकी है. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म राजस्थान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की लोकेशंस में सेट थी और व्यूअर्स के लिए जिस तरह से इन लोकेशंस को स्क्रीन पर उतारा गया था वो किसी शानदार पेंटिंग से कम नहीं था, जहां शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की एक्टिंग ने सबकी तारीफें बटोरी. वहीं रणवीर सिंह इस फिल्म के मेगा सुपरस्टार थे. रणवीर सिंह ने जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को स्क्रीन पर उतारा वो पूरी तरह से काबिले तारीफ है. बॉलीवुड जहाँ लीड हीरो या प्रोटैगनिस्ट को फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ किसी नेगेटिव या विलेनस कैरेक्टर के लिए खुद को नोटिस कराना बहुत टैलेंट. लेकिन रणवीर सिंह ने इस काम को बखूबी करके दिखाया है और उनके खिलजी के पोर्ट्रेयल ने व्यूअर्स को पूरी तरह से प्रभावित करा. पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर 585 करोड़ रुपए की कमाई करी. नंबर 9 जहाँ पद्मावत फिल्म के कारण कंट्रोवर्सी हुई थी, वही जिस फिल्म की अब हम बात कर रहे हैं वो फिल्म ही कंट्रोवर्सीज के कारण एकदम संजय दत्त की तरह दिखती है. बात कर रहे हैं संजय दत्त की कंट्रोवर्सी से घिरी हुई लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म संजू के बारे में. इस मूवी में संजय दत्त का किरदार निभाते हुए नजर आए रणवीर कपूर, जिन्होंने हर कोण से तारीफें ही तारीफें बटोरी. फिर चाहे वो क्रिटिक्स हो या पब्लिक ऑडियंस, किसी ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाना जिसे हमने अपने टीवी स्क्रीन पर लंबे समय तक देखा है. कौन संजय या कौन रणवीर पता नहीं चलता. असल व्यक्ति में अंतर कर सकते हैं लेकिन रणवीर कपूर ने पूरी फिल्म में ऑडियंस को कहीं भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वह और संजय किसी भी तरह से दो अलग अलग व्यक्ति है. यही वो क्वालिटी है जो एक आम एक्टर और एक अच्छे एक्टर में अंतर बताती है. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी संजू फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा जो एक्टर्स थे वो थे विकी कौशल, परेश रावल, अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर. 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई और एक नॉन हॉलीडे के दिन पर रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग करी. इतना ही नहीं बल्कि ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की हाइएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन करने वाली फिल्म. संजू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 588 करोड़ रुपए की कमाई करी. इस फिल्म से न केवल मेकर्स को फाइनेंशियली फायदा हुआ बल्कि इस फिल्म के और ऑडियंस के बीच इमोशनल कनेक्ट के कारण पब्लिक
हाई में संजय दत्त की इमेज भी सुधरी। फिल्म ने बखूबी संजय दत्त की जिंदगी के हाई और लो पॉइंट्स को दर्शाया और पूरी फिल्म में ऑडियंस को स्टोरी से जकड़ कर रखा। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फोर रैबिट वेबसाइट, जो की एक इंडियन बेटिंग वेबसाइट है। मैं खुद भी इस वेबसाइट को कुछ समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से पैसे कमाने के लिए एक आसान और इजी टू यूज वेबसाइट है। और विड्रॉल के समय भी पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको फोर रैबिट वेबसाइट को खोलना है और कोई स्पोर्ट इवेंट चूज करना है। मैं आमतौर पर क्रिकेट चूज करता हूँ और उसके बाद आप अपनी बेट्स प्लेस कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक से इस वेबसाइट पर जाओगे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स को एक्स्ट्रा बोनस पीके मैसेज पहुंचाने में सफल रहे। इसी कारण ये फिल्म उस समय के लिए कुछ
साथ हुई तो धीरे धीरे कॉन्ट्रोवर्सी ये फिल्म धरती पर भटके हुए एक एलियन की जिंदगी के चारों तरफ घूमती है जो वापस अपने प्लैनेट पर जाने के लिए कई कोशिशें करता है। रजनीकांत मुझे बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म ने VFX और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को साथ लाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जिसकी देश भर की ऑडियंसेस ने तारीफ करी। इस फिल्म की सफलता के बाद से ही इसकी ऑडियंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट के बनने का इंतजार कर रही थी और ये इंतजार पूरा हुआ जब 2018 में जहाँ रजनीकांत के फैंस साउथ इंडिया से फिल्म को देखने के लिए आए वहीं अक्षय कुमार के फैंस नॉर्थ इंडिया से इस फिल्म को देखने के लिए आए। तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला। अगर इस फिल्म को बनाए जाने वाले बजट की बात करी जाए तो ये हमारे देश की सबसे महंगी फिल्म बनी थी। इस फिल्म को बनाने में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नंबर 4, सीक्रेट सुपरस्टार। ये वो फिल्म है जिसका सेंस में इस मूवी की एक सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छी पर ना ही इस फिल्म की पब्लिसिटी में ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे। ये वो कुछ फिल्मों में से है जो हमें ये बताती है कि अच्छा सिनेमा हमेशा लोगों के दिलों तक का अपना रास्ता खुद बना देता है। सीक्रेट सुपरस्टार आमिर खान प्रोडक्शंस के तले बनी एक शानदार फिल्म रही जिसको 2017 में रिलीज करा गया। इस फिल्म में आमिर खान नजर आए थे एक एस्टैब्लिश सिंगर के रूप में। फिल्म में इंसिया यूट्यूब के जरिए अपने गाए हुए गानों को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाती है जो वाकई में देश की बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए रिलेटेबल था क्योंकि आजकल लगभग हर कोई इंटरनेट की सहायता से या तो कुछ नया सीख रहा है या फिर अपनी कला को लोगों तक पहुंचा रहा है। इस कहानी के लिए फिल्म के मेकर जनता को ये आइडिया बनाया था जब वे सत्ते में जयते के सीजन 3 में आए शुभम जगलान से मिले। शुभम की कहानी ये थी कि वह एक दूध बेचने वाले आदमी के बेटे थे और वे सीमित साधनों के बावजूद भी मीडिया के यंगेस्ट गोल चैंपियन कहां से कहां पहुंचे। उन्होंने 60% गोल यूट्यूब पर वीडियोस देखकर सीखा था। शुभम की इसी सोच ने चंदन को ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए इंस्पायर करा। इसके अलावा यह फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाती है। अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई और एक हिट साबित हुई। इसके अलावा फिल्म जनवरी 2018 में चाइना में भी रिलीज हुई और वहां भी फिल्म ने कमाल की कमाई की। कुल मिलाकर इस फिल्म ने 965 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ ही फिल्म हमारी लिस्ट में चौथे स्थान पर है। नंबर 3, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान ये भी बहुत ही क्यूट क्यूटनेस लगी। मन करते है उसको हाग करके लो गोद में एवं जोर से हाग करके किस करो। और जब उसे पता चलता है इस फिल्म का लास्ट एंडिंग और ये खो गई है तो वो उसको उसके घर पहुंचाने की इमोशनल अपना मकसद बना लेता है और यही सफर उन्हें पाकिस्तान ले जाता है। इसी फिल्म में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है वो ये नवाजुद्दीन कराची से ईद मनाने के लिए और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बनी फिल्म ऑडियंसेस के लिए आसान और लाइट हार्टेड बन गई। फिल्म को 90 करोड़ रुपए के बजट में डायरेक्टर कबीर खान ने बनाया था। 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 969 करोड़ रुपए की कमाई की और इसी के साथ ये सलमान खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। सलमान खान की दूसरी कई और हिट फिल्मों की तरह ही ये फिल्म भी सलमान खान की लुक लाइक
लाइक इनोसेंट। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी लिस्ट की सेकंड लास्ट वर्क की तरफ, नंबर 2 बाहुबली 2 द कंक्लूजन। एसएस राजामौली आई लव इट। बाहुबली का दूसरा पार्ट जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें रिलीज होते ही देखना मत। फिल्म ने अपने पहले ही दिन में 80 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म के हिट होने के पीछे मुख्य वजह ये थी कि फिल्म के साथ बहुत ज्यादा हाइप जुड़ गई थी और कहानी से जुड़े कई सवालों ने ऑडियंसेस के मन को घेर लिया था और उन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए बड़ी मात्रा में ऑडियंसेस फिल्म को देखने के लिए जुटी। ये फिल्म 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिखे थे प्रभास, राणा दत्तवर्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने बाहुबली अभी तक नहीं देखी है तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिल्म नहीं होगी, क्योंकि ये फिल्म न केवल आपको एक अलग दुनिया का हिस्सा बनाएगी बल्कि आप इस फिल्म से इमोशनली भी कनेक्ट करने लगेंगे। इस फिल्म में VFX शॉट्स थे और आपको बता दूं कि सिर्फ इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीक्वेंस को शूट करने में तो तुम ले लो, मुझे प्रभास दे लो, ले लो। लगी और जो भी मूवी यहाँ पर दिखाई गई है बोथ ऑफ माय फेवरेट मूवीज, एक से बढ़कर एक किस मूवी के बारे में बताऊंगी मेरी कोई साम नहीं, कंपेयर नहीं करा जाए, एकदम कंपेयर नहीं किया जा सकता। और एक एक मूवी के बाद बतानी ही पड़ेगी, वो है दंगल, हाईएस्ट मूवीज। या और जिस इस 10 मूवी में मुझे तो पीके बहुत अच्छी लगी। पीके मूवी के ट्विस्ट भी है, इवन बहुत ही कॉमेडी है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है इस वीडियो पे बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत ही यहाँ पे कुछ खास भी है। तो फ्रेंड्स वैसे एक्शन की मूवी के लिए मुझे रोबोट 2.0 बहुत अच्छी लगी। एक्शन मूवी के लिए राइट अच्छी है, मतलब कुछ तो बात है उसमें राइट। तुमको जो रोबोट 2.0 बहुत ही अच्छी लगी तो किसके लिए अच्छी लगी? रजनीकांत मुझे क्यों? वैसे बोथ ऑफ माय फेवरेट हीरो, ओके I like it. I love him. Yeah. So, सबसे बड़ी बात है जिस 10 वीडियो में हम देखा है इस पे
जिस जिस हीरो भी है इस मूवी में है सब लोगों की फेवरेट है, सुबह के एक है और हमारा बहुत ही फेवरेट हीरो है, सब हम कंपेयर नहीं करेंगे, सबके बहुत ही अलग अलग किरदार है और फेवरेट हीरो। सो गाइस आप लोग कमेंट पर जरूर बताएंगे कि इन 10 मूवीज में आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी है और हमारी रिएक्शन कैसी लगी वो भी बताएंगे, स्पेशली हमारी हिंदी लैंग्वेज या बोल त्रुटि हो चुकी है, हो गई भाई, माफ कर दीजिएगा, हम लोग से आप लोगों के लिए ट्राई किया या अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज करिए।